जी तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनम फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप लोग खुश होंगे, आपको नए साल की ढेरों मुबारकबाद। खुदा आपकी ज़िंदगी में ये साल बरकतों वाला, खुशियों वाला लाए, और इस साल में कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो, और ये जो नया वायरस आया है वो भी ख़त्म हो, और सब अपने अपनी जगहों पर खुश रहें, खुशहाल रहें, फैमिलीज अच्छी रहें, हर लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, फाइनेंशली, सब लिहाज से खुदा आपको बरकत दे। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे जी बीफ पुलाव, और वो बनाएंगे ज़रा बहुत ही सादा से स्टाइल में, जैसे हमारी अम्मियाँ में बना के दिया करती थी। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो बीफ लिया है, और उसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर जो है पानी डाला है। मेरे ये पतीले में यहाँ पे मैयर आता है, ये 2.5 हो जाएगा, मैंने 2 डाला है, क्योंकि ये ज़्यादा हड्डी वाला नहीं लिया मैंने, मुझे ज़्यादा हड्डी नहीं अच्छी लगती इसमें, इसलिए मैंने हड्डी वाला नहीं लिया, क्योंकि चावल में जब खाते हो छोटी छोटी हड्डियाँ आ जाएंगी तो वो टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैंने जिंजर लिया है, उसको ऐसे रफली बस मैंने काटा है इस तरह पीसेस में। यहाँ पे मैंने अदरक, सॉरी लहसुन लिया था, लहसुन को भी मैंने ऐसे ही बस मोटा मोटा करके ऐसे काट लिया है। छोटा एक प्याज लिया था, तेज़पत्ता लिया है, 2 अदद लिया है, 1 टीस्पून जो है वो मैंने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, बड़ा चम्मच लिया था, यहाँ पे कुछ लौंग है, लौंग के साथ में यहाँ पे काली मिर्चें हैं, आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया, और 1 सिनेमन स्टिक ली, और ये सब चीज़ें जो हैं अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो बस देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसे बनाना है जी बीफ पुलाव। ये सब इसके अंदर जाएगा, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पकने के लिए रख देते हैं, और बाद की जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ में रेडी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, सॉल्ट लाजमी डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर सॉल्ट ना डाला तो सब मतलब टेस्टलेस हो जाएगा, गोश्त सिर्फ पकेगा और उसके अंदर तक सॉल्ट नहीं होगा। तो ये बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने रख दिया है पतीला, और आँच मैंने उसको ऑन कर दिया है फ्लेम को, और यहाँ पे भी आँच आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ हीट के साथ आपने नहीं पकाना। तो यहाँ पे जो है इसको अब रख देंगे, और बाद में जो बाकी की तैयारी है पुलाव की वो करते हैं, कटिंग कर लेते हैं कुछ चीज़ों की, चावल रख लेते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करते हैं, साथ साथ में हमारी जो यखनी है वो जो है पुलाव के लिए वो रेडी हो जाएगी। तो व्यूवर्स, इसका ढक्कन उठा के देखते हैं, ये देखें यखनी एकदम रेडी हो गई है। बस अभी थोड़ा सा बीफ जब हमारा टेंडर हो जाता है तो इसको हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि इस यखनी के अंदर ही हमने अपना चावल जो है वो पकाने हैं। तो तकरीबन ये 1/2 लीटर अभी सिर्फ ड्राई हुआ है पानी, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए थोड़ा वेट करते हैं अभी। और तो व्यूवर्स, यहाँ पे यखनी अभी इसको थोड़ा और पकाना है, मैंने एक इसमें से पीस निकाल के बीफ का देखा था, ये देखें, लेकिन अभी इसको थोड़ी और नीट है, इसमें अभी लचक है, इस लचक को हमने जो है वो ख़त्म करना है। इस तरह बोटी टूट रही है अभी, लेकिन फिर भी इसको हम लोग जो है वो एक बार और इसको पकाएंगे। मैं वापस डाल देती हूँ, तो थोड़ा और पकाना है तब तक के ये गोश्त जो है बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, यखनी भी हो जाएगी प्रॉपर कुक, और गोश्त भी हमारा प्रॉपर पक जाएगा। तो जी, यहाँ मैंने दोबारा से पुलाव के लिए चीज़ें काटी हैं, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, रफली उसको कट किया है क्योंकि प्याज बहुत कड़वा था। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का ही टमाटर लिया, क्यूब्स में काटा है, छिलका नहीं उतारा, छिलके के साथ ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। 5 हरी मिर्चें थी, 1 रेड हो रही थी तो मैंने वो भी यूज़ की है। यहाँ पे अदरक, उसको मैंने रफली हाथ वाला जो होता है हमारा, मेरे पास वुड का है पीसने के लिए, मैंने उसके अंदर ही इसको पीस लिया है, और ऐसे रफली आपने अदरक को ऐसे पीस लेना है। ड्राई वाले स्पाइसेस साथ में मैं बता दूँगी, सिर्फ ये चीज़ें हैं जी। तो वो सभी मैं इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ, मैंने इसमें तकरीबन 1 पूरा कप ऑयल डाला है, मयूर वाले बड़ा कप से रहते हैं, जिससे आप केक बनाते टाइम वैसे ऑयल यूज़ करते हैं वो, और 1 कप बड़ा मैंने ऑयल डाला है इसमें।
इसमें मैं अभी प्याज डाल रही हूँ जो हमने काट के रखा था। ये देखिए आप इसमें प्याज डाल रहे हैं सारे। आपको ऑयल कम लगे तो आप ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं उसे जब भी आपका दिल है आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। और आप देखिएगा मैं इसमें कोई दूसरा मसाला ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसको मैं जीरा और ये सब जो हम ऐड करते हैं नॉर्मल बस उसी से हम बनाएंगे। जहाँ पे प्याज को कम फ्राई हो गए हैं और वो सो रहे हैं, हो गए नहीं है, सॉफ्ट हो गए हैं तो आपने हिलाते रहना है। यहाँ हम इस लेवल पे आगे स्पाइसेस जो हैं ड्राई वो ऐड करेंगे। मैं फिर से एक तेज पत्ता डाल रही हूँ और दो सोया मिर्च, अगेन 1 टीस्पून जीरा। इसके बाद मैं इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी, बस इन को आपसे हिलाएंगे ताकि ये पत्ते में अपनी खुशबू और थोड़ा फ्राई हो जाए। और यखनी हमारे यहाँ पर बन के रेडी है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे हम बना रहे हैं जी आज पुलाव। ये है जी न्यू ईयर एक जो स्पेशल बीफ पुलाव। और बीफ में फिर से मैं बताती जाऊँ कि मैंने न्यूट्रॉन वालों का ही यूज़ किया है, हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत अच्छा। आप लाजमी ट्राई किया करें और इसको पकाया करें। मैं जब से यूएई में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है जब भी मैंने बनाया है, अदरवाइज़ मैंने बहुत ट्राई किया है। बीफ मटन फिर भी हमें अच्छा मिल जाता है लेकिन बीफ अच्छा नहीं मिलता था, तो बीफ के लिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि मीट बनवा दूँ करें। यहाँ पे मैं सुनहरा ब्राउन जो हो जाए प्याज से उसमें मैंने ग्रीन चिलीज जो है वो ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आके आपने प्याजों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, यहाँ पे आके आपने सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। ये बस सुनहरा गोल्डन आपने प्याज करनी है और आपने इसको डाल देना है इन सबको। और अभी हम लोग इसमें जो बाकी स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। सिर्फ सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मेरा फेवरेट स्पाइस, वो है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इससे आपका पुलाव इतना तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि लाइट वेट बनते हैं चावल, इससे अगर आप ये ऐड करते हैं तो इससे लाइट वेट बनते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मसाले रहना इसमें टेस्ट कोशिश कीजिएगा कि कम रहे। और साथ में हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि सॉल्ट कम डालिएगा। सॉल्ट आप पहले भी डाल चुके हैं, 1 टीस्पून ही मैं और डालूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा और डाल देती हूँ क्योंकि आपने यखनी में भी डाला था तो अकॉर्डिंग इसको आपने डालना है। सॉरी जी कैमरा पास आपने मिल रहा है क्योंकि मैं स्पाइसेस ऐड करूँ तो मुझे यही है कि मैं आपको बताती हूँ। हल्दी कर दे, हल्दी थोड़ा सा पानी डाल के उनको ढक दूँगी सारी चीज़ों को। बस देखें इससे ज़्यादा मत डालिएगा कुछ भी इसमें क्योंकि आपकी जो चिली है ना ग्रीन वाली ये भी बहुत तीखी वाली है।
तो व्यूवर्स, चावल भी मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक ग्लास है उसके मैयर के हिसाब से मैंने दो ग्लास जो हैं वो चावल डिप करके साफ करके मतलब पानी से निकाल के रखे हैं, लेकिन थोड़ा पानी के डाला तो अच्छे से गल जाते हैं, अच्छे से फूलते हैं चावल। यहाँ पर मैं उसमें अभी पानी ऐड कर रही टमाटर, इसमें मैश होते हैं उसके बाद हम लोग इसमें जो है यखनी ऐड कर देंगे और चावल ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए वैसा भी तैयार हुआ है। और अभी मैं इसमें यखनी डालने लगी। तो व्यूअर्स, यखनी भी मैंने ऐड कर दी है, ये देखें यखनी को भी एक बॉयल ऑलमोस्ट आ चुका है, क्योंकि यखनी तो वैसे भी गर्म थी। तो मैंने देखें कोई चीज़ जो है वो स्टेन नहीं की थी, मैंने डायरेक्टली सब कुछ डाल दिया है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता तो वो आप सिर्फ आप यखनी को स्टेन करके डाल सकते हैं। और अभी मैं इसमें चावल ऐड कर देने लगी हूँ, क्योंकि मैं तो इस चावलों के अंदर जो यखनी का टेस्ट है ना वो नहीं आएगा। तो अभी एक बॉयल आने के बाद आप इसमें चावल ऐड करिएगा, मैं इसमें अभी चावल ऐड करने वाली हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे चावल भी ऐड हो गए हैं यखनी के अंदर। अभी आपको जितना और पानी ऐड करना है आप वो ऐड करिएगा। बस इसको हलाने का तरीका देख लें मैं कैसे हला रही हूँ, कि आपके राइस टूटने नहीं चाहिए हलाते हुए। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे हला रहे हैं। तो बस अभी इस लेवल पे आके आपने एक बार फिर से अपना सॉल्ट चेक कर लेना है, और अगर परफेक्ट रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं सिर्फ इसमें एक छोटा वाला जो कप है वो पानी ऐड करने लगी। तो बस यहाँ पे पानी ऐड करते हैं चावलों के अंदर और ढक देते हैं और एक बार हला लेते हैं। ये देखिए बस परफेक्ट सा हो गया है, अभी हम लोग इसको हला लेते हैं। तो व्यूअर्स, ढक्कन उठा के देख लेते हैं क्या सिचुएशन है हमारे पुलाव की। ये देखें एकदम निखरा हुआ पुलाव जो है वो रेडी हो रहा है। बस तो थोड़ा टाइम और वेट करेंगे। मैं ढक्कन नहीं रखूँगी इसके ऊपर, बस ऐसे ही इसका पानी जो है वो ड्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें पानी खुश्क हो गया है। अभी हम लोगों ने इसको दम पे रखना है। मैं नीचे पहले लोहे वाला तवा रखूँगी, उसके बाद मैं इसको दम पे रखूँगी, तो चावल कभी भी नीचे नहीं लगते हैं। तो व्यूअर्स, इसको अभी दम के लिए रख देते हैं। इस होल के ऊपर मैं हमेशा ऐसे फॉइल पेपर टर्न करके इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि स्टीम बाहर ना निकले। फ्लेम मैं थोड़ी धीमी कर देती हूँ, और ये देखें लोहे वाला तवा जो है वो मैंने रख दिया है। अभी फ्लेम थोड़ी मीडियम और मीडियम से थोड़ी कम रख के दम पे देंगे। तो व्यूवर्स, देखें जब दम आ चुका होता है, सब रेडी हो चुका होता है, तो इसकी निशानी ये होती है कि आपको ये ढक्कन के अंदर से राइस जो है वो निखरे हुए दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें, ये देखें बिल्कुल पास से। अभी मैं इसको हलाती हूँ। ये देखें, आपने हलाना इसको बहुत सॉफ्टली है, तो आपके चावल जो हैं वो टूटते नहीं हैं। ये देखें, और एकदम फूल के जो हैं वो ऊपर तक आ जाते हैं ऐसे। और लेकिन इसके लिए ये है कि आपने उसको पहले थोड़ा सा डिप कर देना है चावलों को, तो आपके चावल जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैं आपको एक जूम करके एक लुक दिखाती हूँ इनका। ये देखें, ज़रा भी चिपके नहीं हैं। और ये देखें, ज़रा भी जो है
इनमें चिपका हुआ जो है वो उस तरह के चावल नहीं बने, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको एक बार लाइट के साथ इसका व्यू दिखाती हूँ, ये देखें। तो इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको सर्व करें अच्छे से रायते के साथ जैसे भी, और ज़रूर पकाएं और अपने फैमिली के साथ शेयर करें ये रेसिपी, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय व्यूवर्स।